हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं, वहां के लोग सबसे ज्यादा गुड लुकिंग माने जाते हैं। ये वही देश है जहां पर आपको इंसान कम और साइकिल ज्यादा नजर आएंगे। यहां के लोगों की लाइफस्टाइल देखने के बाद कोई भी इस देश का दीवाना हो जाएगा। वैसे तो ये देश बहुत ही छोटा है, लेकिन यहां के लोग इतने मेहनती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जियां एक्सपोर्ट यही देश करता है। दोस्तों, इस कंट्री को यूरोप की सबसे खूबसूरत जगह भी माना जाता है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसी देश के लोग सबसे लंबे इंसान भी होते हैं। दोस्तों, ये देश है नीदरलैंड्स, जिसके बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां हम आज आपको देने जा रहे हैं। अब बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नीदरलैंड्स देश को हॉलैंड कहते हुए आपने कई लोगों को सुना होगा, लेकिन हॉलैंड इस देश का नाम नहीं है। दरअसल हॉलैंड इस देश में एक ऐसी जगह है जिसने राजा महाराजाओं के समय में सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिए थे नीदरलैंड्स को। तब इसे नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड को लोगों ने इतना पॉपुलर बना दिया कि पूरे देश को ही सब हॉलैंड के नाम से जानने लगे। लेकिन हॉलैंड नीदरलैंड के 12 प्रोविंसेस में से सिर्फ दो ही है। नीदरलैंड्स यूरोप महाद्वीप का एक देश है और ये उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड्स का बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे होने के कारण इसने अपने समुद्री किनारों पर 1400 किलोमीटर की लंबी दीवारें बनाई हैं, ताकि समुद्री पानी देश के अंदर दाखिल न हो सके। अगर ये दीवारें हटा दी जाएं तो 40% नीदरलैंड्स पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, नीदरलैंड्स देश की कुल आबादी इस समय है लगभग 2 करोड़। आपको इस छोटे से देश में 508 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे मिल जाएंगे। ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर वाले देशों में से एक है। साथ ही देश के 94% लोग शहरों में रहते हैं, वो भी 3 शहरों में। बाकी 6% लोग ही गांवों में रहते हैं। वैसे देखा जाए तो इस देश में गांव के नाम पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के गांव भी एशिया के कई बड़े देशों के शहरों से अच्छे हैं। यहाँ डेवलपमेंट का काम काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। नीदरलैंड्स दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जो कि 2 लड़कों और 2 लड़कियों को आपस में शादी करने की इजाजत दी। यह नियम नीदरलैंड्स में 2001 में ही लागू कर दिया गया था। यही वो पहला देश था जहाँ पहली बार 2 लड़के आपस में शादी करना चाहते थे और उनको शादी करने से कोई रोक नहीं सकता था। हालांकि इस बात को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन यहाँ पर इस मामले में कुछ नहीं बदला। लोगों का मानना है कि उनके विचार अलग हैं और वो ओपन माइंडेड हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि नीदरलैंड्स इतना छोटा होने के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा बियर का एक्सपोर्ट करने वाले देशों की सूची में 2रे नंबर पे आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश ने 2019 में $2.1 बिलियन का बियर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया था। वैसे भी यहाँ के बियर की बहुत डिमांड होती है और यहाँ के बियर का स्वाद सबसे अलग होता है। यही वजह है कि इसे खूब पसंद किया जाता है। जैसे यहाँ से बियर एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ से दुनिया के हर कोने में सब्जियां भी भेजी जाती हैं। बियर के बाद अगर किसी भी चीज को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर कोई देश करता है तो वो नीदरलैंड्स ही हैं। जी हाँ, नीदरलैंड्स दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर एक्सपोर्टर है, जिनमें से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला फूल है ट्यूलिप। हर साल लगभग 2 बिलियन ट्यूलिप्स उगाता है ये देश, और यहाँ से उसे दुनिया के तमाम देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, ऐसे में यहाँ पर आपको 1000 विंडमिल्स देखने को मिलेंगे। अब जिधर भी नजर दौड़ाएंगे उधर ही विंडमिल्स पाएंगे। नीदरलैंड्स में इन्हें विंडमिल्स का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। यहाँ की एक बात जो सबसे अच्छी है कि लोग हमेशा कुछ नया आविष्कार करने की सोच में लगे रहते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट भी इन्वेंट किया था नीदरलैंड्स के ही एक बिजनेसमैन ने, और इसकी शुरुआत हुई थी 1602 में ही। आज पूरी दुनिया की नजर स्टॉक मार्केट पे रहती है, इसलिए नीदरलैंड्स के लोगों को सबसे इनोवेटिव माना जाता है। यहाँ पर हर रोज आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेंडुलम घड़ी का आविष्कार 16वीं और 17वीं सदी में नीदरलैंड्स में ही हुआ था। नीदरलैंड्स के लोगों के बीच में फुटबॉल खेल का सबसे ज्यादा जुनून है। यहाँ पर हर कोई फुटबॉलर बनना चाहता है। हर किसी को लगता है कि वो अपने देश के लिए खेल सकता है। अभी तो पूरे नीदरलैंड्स में सबसे ज्यादा फुटबॉल के मैदान ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख सकते हैं। इस देश ने दुनिया को कई महान फुटबॉल खिलाड़ी दिए हैं। आज भी यहाँ पर जिस तरह का जुनून फुटबॉल का है, वैसा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर है, और इसीलिए इसे नीदरलैंड्स देश की राजधानी भी बनाया गया है। इस देश की कुल आबादी है तकरीबन 9 लाख। अपनी खूबसूरती की वजह से इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। 13वीं सेंचुरी तक एम्स्टरडैम एक छोटा सा गाँव हुआ करता था, जो कि समुद्र किनारे बसा हुआ था, और यहाँ पर तब लोग फिशिंग करने के लिए आते थे। लेकिन अब ये एक फिशिंग विलेज से फैबुलस सिटी बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एम्स्टरडैम में हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ लोग घूमने आते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि एम्स्टरडैम की खूबसूरती किस कदर हर जगह फैली हुई है। यूरोप के देशों से तो लोग आते ही आते हैं, साथ ही एशिया और अफ्रीका से भी बड़ी संख्या में सैलानी इस शहर की खूबसूरती को देखने पहुंचते हैं। नीदरलैंड्स के टूरिज्म में एम्स्टरडैम का बहुत बड़ा योगदान है। एम्स्टरडैम शहर चूंकि बिल्कुल समुद्र के किनारे है, ऐसे में यहाँ की मिट्टी बहुत सॉफ्ट है।
यहाँ किसी के लिए भी घर बनाना आसान काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर जब भी कोई घर बनाता है तो जमीन के नीचे नींव देने के लिए पोल्स का इस्तेमाल करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल मिलाकर इस समय तक 11 मिलियन पोल्स का इस्तेमाल किया जा चुका है इस शहर को बसाने में। चलिए एक मजेदार बात आपको एम्स्टर्डम के बारे में बताते हैं। यहाँ हर घर में जो गेट्स हैं वो बहुत लंबे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने लंबे गेट्स का मतलब क्या है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग बहुत लंबे होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा लंबे लोग इसी शहर के होते हैं, जिसे देखते हुए यहाँ पर दरवाजे बहुत लंबे लंबे बनाए जाते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ के लोगों की औसतन लंबाई 175.62 सेंटीमीटर होते हैं। वहीं अगर सिर्फ नेदरलैंड्स देश के लड़कों की बात की जाए तो इनकी औसत हाइट 182.53 सेंटीमीटर तक होते हैं। लंबे होने के साथ साथ यहाँ के लड़के काफी हैंडसम होते हैं, वहीं लड़कियाँ भी कम खूबसूरत नहीं होती। इसलिए यहाँ के ज्यादातर युवा मॉडलिंग करते हैं, क्योंकि एक तो लंबाई, ऊपर से इतनी खूबसूरती, मानो जैसे भगवान ने बड़े सुकून के साथ बनाया इन लोगों को। एम्स्टर्डम के बारे में एक और खास बात यह है कि इसको दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। इस शहर में कोई भी लड़की आधी रात के बाद भी निकल जाए तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्राइम रेट 9 के बराबर है। वैसे भी पूरे नेदरलैंड्स में क्राइम बहुत कम है, तो आप यहाँ पर देर रात भी पार्टी करने के बाद मस्ती से रात को अकेले घर आ सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कभी भी किसी को सुरक्षा के नाम पर डर नहीं लगता है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस देश के गांव में भी सबके घर के आगे आपको कैमरे लगे हुए देखेंगे। नेदरलैंड्स में एक ही भाषा बोली जाती है और वो है डच। साथ साथ यहाँ के लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर आप नेदरलैंड्स जा रहे हो तो आपको भाषा को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यह बहुत सारे देशों की तुलना में अंग्रेजी बोलने में बेहतर है। एक सर्वे के मुताबिक डच लोग इंग्लिश बोलने में माहिर होते हैं। देश के 86% लोग अंग्रेजी का दूसरी भाषा के तौर पर प्रयोग करते हैं। नेदरलैंड्स में आपको एकदम घर जैसा फील होगा। यहाँ की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन बाहर से आकर यहाँ बसी है। ये लोग मुख्य रूप से तुर्की, सूरीनाम, मोरक्को, एंटिल्स और अरूबा से हैं और अरसों से नेदरलैंड्स में रह रहे हैं। ये मल्टीकल्चरल मिक्सिंग ज्यादातर एम्स्टर्डम और रोटरडैम में देखने को मिलती है। इसी बहुसांस्कृतिक मिलन की वजह से बाकी कुछ हो न हो, लेकिन एक बात जरूर अच्छी हुई है और वो है यहाँ का खाना। अलग अलग देश के लोगों की वजह से यहाँ तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलती हैं। वेल दोस्तों, नेदरलैंड्स के लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। खाने के बारे में तो आप जान ही गए कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स हैं। स्टैम्पूट यहाँ का नेशनल डिश है, जिसे हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। ये डिश मैश किए हुए आलू, ढेर सारे वेजिटेबल्स और स्मोक्ड सॉसेजेस जैसे डच रुकवर्स्ट, स्पेनिश कोरिजो और पोलिश के अलबासा से बना एक लाजवाब पकवान है। स्टैम्पूट पारंपरिक रूप से 3 अक्टूबर को डच शहर लेडन में स्पेन से आजादी का जश्न मनाने के लिए बनाया जाता है। हालांकि यहाँ के लोग अपनी डाइट को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। ये एकदम नाप तोल कर खाना खाते हैं और रात को आधे से ज्यादा नेदरलैंड्स वासी खाना नहीं खाते, क्योंकि इन्हें लगता है कि रात को खाना खाने से सेहत खराब होता है। वैसे बात तो बिल्कुल सही है। शायद इसीलिए नेदरलैंड्स में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि आपको मोटे दिखाई देंगे। यहाँ के ज्यादातर लोग फिट होते हैं। हालांकि लोग यहाँ डाइट जरूर करते हैं, लेकिन बियर पीने से बाज नहीं आते। जी हाँ, इस शहर में 1600 से भी ज्यादा बियर बाज हैं। यहाँ के लोगों के बीच में बियर बहुत पॉपुलर है और हर छोटी छोटी बात पर यहाँ के लोग बियर पीकर सेलिब्रेट करते हैं। लोगों को बस बहाना चाहिए होता है बियर की बॉटल खोलने का। नेदरलैंड्स में आपको इंसान कम और साइकिल ज्यादा नजर आएंगे। आपको बता दूं कि नेदरलैंड्स के लोगों के बीच में साइकिल चलाना सबसे पॉपुलर कामों में से एक है। इससे इनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और साथ में काफी इंजॉय भी करते हैं। यहाँ पर आपको ऑफिस जाते समय भी हजारों की संख्या में साइकिल पे सवार लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो भी खूब मजे लेते हैं साइकिल राइड्स के। क्या आप जानते हैं, नेदरलैंड्स को सबसे सुखी देशों में से एक माना जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले हुए एक सर्वे में नेदरलैंड्स देश को दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में 6 नंबर पर रखा गया था। ये लोग बहुत मेहनती हैं और सबके पास लगभग रोजगार है। ऐसे में किसी को कुछ भी गलत काम करने की जरूरत ही नहीं होती। वैसे यहाँ के लोग बिंदास किस्म के होते हैं और अपने अपने काम से ही मतलब रखते हैं। 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार नेदरलैंड्स बच्चों के लिए सबसे अच्छा देश है। वेल, आपको बता दें कि ये देश हद से ज्यादा खूबसूरत है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, एफर्टलेस ब्यूटी, यानी कि सुंदरता ऐसी जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत न पड़ी हो। दोस्तों, नेदरलैंड्स की भी खूबसूरती कुछ ऐसी है। यहाँ पर आपको हर एक चीज ही कलरफुल और अट्रैक्टिव नजर आएगी। यहाँ अर्ली मॉर्निंग व्यू से लेकर सनसेट तक सब आपको इस तरह अपनी ओर खींचेंगे कि बस आप यहीं रह जाना चाहेंगे। इसीलिए तो इसे दुनिया का जन्नत कहा जाता है। इस खूबसूरती को ही देखकर शायद यहाँ सबसे ज्यादा हॉलीवुड मूवीज की शूटिंग होती है। ये हर एक एंगल से परफेक्ट नजर आता है। ये इतनी हरियाली से भरा देश है जिसे देखकर सबका मन भर जाता है।
दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को प्यार करना और प्यार में पढ़ना दोनों ही अच्छा लगता है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज से ही प्यार का बुखार यहाँ के बच्चों पे चढ़ जाता है और ये एक दूसरे के लिए बेहद लॉयल माने जाते हैं। अगर आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशंस कहीं की देखनी है तो एक बार एम्स्टरडैम के नजारे जरूर देखिएगा। जी हाँ, यहाँ पर 31 दिसंबर के दिन से ही लोगों की जोरदार पार्टी शुरू हो जाती है। दोस्तों ये था फूलों का देश नीदरलैंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको नीदरलैंड्स की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हो नीदरलैंड्स, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।